हाय गाइस, सो आज हम बनाने वाले हैं बिस्किट केक। सो हम इसे बेक नहीं करेंगे, कोई ओवन रिक्वायर्ड नहीं है, कोई माइक्रोवेव रिक्वायर्ड नहीं है। एंड देखिए कितना स्पंजी और कितना यमी लग रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट थिंग मैंने क्या किया है, बहुत सारे बिस्किट्स ले लिए हैं। जो भी आपके घर में बिस्किट्स लेफ्ट ओवर है वो बेस्ट रहेंगे। मैंने यहाँ पे पार्ले जी डाइजेस्टिव बिस्किट लिए क्योंकि एक्चुअली लेफ्ट ओवर थे, कोई खा नहीं रहा था। सो आई यू नो मैं थिंक दैट मैं केक बना लेती हूँ। सो मैंने इनको मिक्सी में ग्राइंड किया है 2 मिनट के लिए। देन मैं इनमें ऐड कर रही हूँ 1 कप मिल्क। आपका अगर कंटेंट ज़्यादा है तो आप ज़्यादा दूध भी डाल सकते हैं, वो कंसिस्टेंसी लाने के लिए। देन मैं यूज़ कर रही हूँ कोको पाउडर, क्योंकि कोको पाउडर से इसमें कलर आएगा एंड आई वॉन्टेड दैट चॉकलेटी कलर। सो थोड़ा सा एक सजेशन ये है, मैंने इसमें कोको पाउडर डाला तो शुगर थोड़ा कम हो गया था, शुगर कंटेंट। बट आप चाहें तो थोड़ा स्वीट वाले बिस्किट लेंगे तो आपको चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट थिंग मैंने इनको ग्राइंड कर लिया और मिक्सर में ग्राइंड करने के बाद देखिए कंसिस्टेंसी कितनी सही है। तो आप अपने कंटेंट के हिसाब से कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं मिल्क डाल के। तो मैं इसको सारा को इसमें बॉल में पोर कर रही हूँ। ओके, ये पूरा मैं पोर कर लूँगी साइडवेज से पूरा अच्छे से। ओके, देखिए कितना चॉकलेटी कलर आया। सो इसमें मुझे 1 स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा चॉकलेट कोको पाउडर डालना पड़ा। बट यू इफ़ यू कैन यूज़ द चॉकलेट बिस्किट्स तो आपको कोको पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसलिए डाला क्योंकि मेरे नॉर्मल बिस्किट्स थे। सो ये देखिए कितना चॉकलेटी कलर आ रहा है इसका। ठीक है, ये मैंने कर लिया। एंड देन इसके बाद हम मिलाएंगे इसमें इनो, इनो का पैकेट लेंगे। इनो वाई इनो, क्योंकि इनो से ये बहुत जल्दी ही यू नो इसमें फर्मेंटेशन हो जाएगी और ये अच्छे से बेक होगा तो बहुत अच्छा स्पॉन्जी बनेगा। तो ये ना तभी की तभी क्विक एक रेजोल्यूशन है, क्योंकि अगर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालेंगे तो हमें थोड़ी देर उसको रखना पड़ता है। बट इनो डाल के हम तभी की तभी इसको बेक कर सकते हैं। सो मैंने इनो का एक पूरा पैकेट इसके अंदर डाल दिया है। अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है केक की तो आप इसमें 2 भी डाल सकते हैं। ये देखिए इस कितना बबली बबली सा हो गया है। सो मैं इसको रखने नहीं वाली हूँ। सो मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ द स्पैचुला। नेक्स्ट थिंग मैं एक एल्युमिनियम का बेकिंग ट्रे ले रही हूँ। इट्स नॉट अ बेकिंग ट्रे, इट्स अ नॉर्मल थिंग। सो आप भी ऐसा कुछ ले सकते हैं, आपके घर में क्या अवेलेबल है उसके हिसाब से। आप एक फ्राइंग पैन भी ले सकते हैं जो थोड़ा सा डीप हो, और उसको अच्छे से ऐसे ऑयलिंग कर लीजिए। मेरे पास ब्रश था, आप हाथ से भी लगा सकते हैं। सो देखिए मैं पूरा इसको ऑयलिंग कर लूँगी। नेक्स्ट थिंग मैंने ये एल्युमिनियम फॉइल काटी हुई थी राउंड में, सर्कल में, क्योंकि मेरे पास बटर पेपर नहीं था। सो इफ़ यू हैव बटर पेपर प्लीज़ यूज़ बटर पेपर, इफ़ यू डू नॉट यू कैन यूज़ एल्युमिनियम फॉइल। इफ़ यू डू नॉट हैव एल्युमिनियम फॉइल यू कैन व्हाट यू कैन डू, आप मैदा थोड़ा सा लेके उस पर डस्ट कर लीजिए एंड थोड़ा सा उस पर ऑयलिंग कर लीजिए अच्छे से, और मैदा डस्ट कर लीजिए तो वो नहीं चिपकेगा नीचे। ठीक है, सो हमने अच्छे से ऑयलिंग कर ली है। आप पीछे देख सकते हैं मैंने जो तवा है वो मैंने पहले ही हीटअप करने के लिए रख दिया है। एंड मैं इसको पूरे को इसमें पलट देती हूँ अच्छे से, और पूरा इसमें मैं अच्छे से पलट रही हूँ, आप देख सकते हो, क्योंकि वी डोंट वांट टू यू नो वेस्ट एनीथिंग। सो मैं इसमें अच्छे से इसको पोर कर लूँगी, और ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है, और ये अब कहीं भी स्टिक नहीं होगा क्योंकि मैंने इसकी अच्छे से ऑयलिंग कर दी है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ आपका जो तवा गर्म हो गया था आप उसके ऊपर इसको रख दीजिए। एंड यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट कवर इट। ओके, एंड इट विल टेक 30 to 45 minutes टू बेक। एंड हाउ यू कैन चेक, आप देख सकते हैं एक कुछ भी इसमें थोड़ा सा स्क्यू से चेक कीजिए। मैंने टूथपिक से चेक किया, देखा आपने स्टिक नहीं हुआ है। तो अगर स्टिक होगा दैट मीन्स आपका केक अभी नहीं हुआ है। ठीक है, सो बीच बीच में चेक करते रहना, बट 30 to 45 minutes लगते हैं। मैंने नाइफ से इसको साइड से हटा लिया जिससे कि ये स्टिक ना हो और एक बार में पलट के निकल जाए। एज यू कैन सी थोड़ा गर्म है, सो बी केयरफुल। मैंने एक प्लेट नीचे रखी एंड मैंने इसको ऊपर से पलट दिया है अपसाइड डाउन। एंड ये देखिए कितनी ईजीली ये निकल गया है। सो गाइज इट इज़ वेरी ईजी, आप ऑयलिंग अच्छे से करेंगे तो ये बहुत ईजीली बाहर आ जाएगा, कोई स्टिक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब इसमें हम एल्युमिनियम फॉयल रिमूव कर देते हैं। सी
कितना स्पंजी लग रहा है, कितना टेस्टी लग रहा है. ओके सो एज यू नो कि ये थोड़ा सा कम स्वीट था बिकॉज मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में आपको बताया था. सो वी एक्चुअली एट इट विद द आइसक्रीम, वेनिला आइसक्रीम. सो यू गाइज कैन डू दैट एज वेल, और यू गाइज कैन यू नो एड सम चॉकलेट फ्लेवरिंग और